स्वागत है, मैं हूं प्रीति मिश्रा। खबरों के विस्तार में जाने से पहले एक नजर आज की सुर्खियों पर। कानपुर में देहात में आज सीएम का दौरा, कंचौसी में सांसद देवेंद्र सिंह भोले की माता पिता की मूर्ति का करेंगे अनावरण, एक जनसभा को भी करेंगे संबोधित। आज बुढ़वा मंगल है, पूरे देश और प्रदेश में हो रही है पवन पुत्र हनुमान की पूजा, मंदिर में लगी भक्तों की भारी भीड़। और उधर कानपुर के पनकी मंदिर में रात से ही पहुंचने लगे श्रद्धालु, पुड़वा मंगल पर लाखों भक्त करते हैं बजरंग बली की पूजा दर्शन, प्रशासन ने किए व्यापक इंतजाम। और पनकी मंदिर के महंत जितेंद्र दास बैठे धरने पर, पनकी थाना प्रभारी से हुआ विवाद, सस्पेंड करने की मांग को लेकर दी आत्महत्या की धमकी, मंदिर के पीछे का गेट खोलने को लेकर हुआ विवाद। और इसी के साथ ही कानपुर से सबसे बड़ी खबर, पनकी मंदिर में सुरक्षा को लेकर बड़ी लापरवाही, बुढ़वा मंगल पर जुटी है लाखों भक्तों की भीड़। और वहीं देखा जा रहा है कि पुलिसकर्मी सब सोते हुए नजर आ रहे हैं, और जीएमडी न्यूज के कैमरे में कैद हुए सोते हुए पुलिसकर्मी, सुरक्षा के कड़े इंतजाम किए गए हैं, लेकिन हम लोगों ने पाया कि बुढ़वा मंगल के इस अवसर पर पुलिसकर्मी भी सोते हुए नजर आए हैं। कानपुर से बड़ी खबर, पनकी मंदिर में सुरक्षा को लेकर हुई बड़ी लापरवाही, बुढ़वा मंगल पर जुटी है लाखों भक्तों की भीड़। आपको बता दें कि जेएमडी न्यूज के कैमरे में सोते हुए पुलिसकर्मी को कैद किया गया है। कानपुर से बड़ी खबर, पनकी मंदिर में सुरक्षा को लेकर बड़ी लापरवाही, बुढ़वा मंगल पर जुटी है लाखों लोगों की भीड़, सर्विलांस रूम का भी सिपाही सोते हुए मिला। और इस बड़ी खबर पर हमारे साथ अनिल जी बने हुए हैं। अनिल जी, क्या मैं जान सकती हूं कि पनकी आज इस अवसर पर, जो बुढ़वा मंगल के अवसर पर पनकी मंदिर में सुरक्षा को लेकर जो भी लापरवाही दिखाई जा रही है, पुलिसकर्मी सोते हुए नजर आ रहे हैं, क्या आप बता सकते हैं इसके पीछे क्या उनकी मंशा हो सकती है? जाहिर सी बात है कि इतने बड़े पुलिसकर्मी लोगों की तैनात किया गया है, तो उसके लिए क्या क्या आप कहेंगे? जी, आपको बता दें, बुढ़वा मंगल के उपलक्ष्य में पनकी मंदिर में करीब 10 लाख श्रद्धालु दर्शन करने के लिए एक दिन पहले से ही लाइन में लग जाते हैं, और उनकी सुरक्षा का जिम्मा पुलिस कर्मियों को दिया जाता है। अगर जो ऐसे में से उनके साथ घटना हो जाए, कोई चूक हो जाए, तो आखिर उनका जिम्मेदार कौन होगा? इसका जवाबदेही यही पुलिस कर्मी होते हैं जो सुरक्षा के दौरान, अपनी ड्यूटी के दौरान निकम्मेपन से बाज नहीं आते हैं और कोना पकड़कर सोते हुए नजर आते हैं। आपको बता दें, चिदवई नगर इंस्पेक्टर अपनी जीप में सोते नजर आए, उनकी जब मीडिया कर्मियों को फ्लैश उनके चेहरे पर पड़ा, उसके बाद भी उनकी नींद नहीं टूटी, वो बेधड़क होकर सोते नजर आए। क्या वहां पर तैनात अधिकारियों की नजर उन पर नहीं पड़ी? और सुरक्षा वहीं पर सीसीटीवी कैमरे में तैनात, जो देख रेख की सबसे बड़ी जिम्मेदारी थी, सिपाही या 4 सिपाही तैनात किए गए थे जिनका निगरानी रखने का जिम्मा दिया गया था, और वहां पर एक सिपाही तैनात था और वहां पर वो भी सोता नजर आया। अगर जो ऐसे में कोई चूक हो जाए, कोई बड़ी घटना हो जाए, आपको बता दें कानपुर को आतंकियों का भी खतरा है, ऐसे में कैसे कानपुर पुलिस के ऊपर भरोसा करके उन पर जो 10 लाख की जनता का जिम्मा दिया जा सकता है? आप देख सकते हैं टीवी स्क्रीन पर किस तरह से जो है पुलिस कर्मी बेधड़क होकर सो रहे हैं और लोगों का तांता लगा हुआ है, इतनी भीड़ भाड़ है, उसके बाद भी लोग किस तरह से बेधड़क होकर सो रहे हैं। एक ग्राहक से जब हो गए, जब एक दरोगा की नशे की हालत में एक झूले में आराम फरमा रहे हैं और उनको किसी चीज का या किसी भी अधिकारियों का डर नहीं है कि कोई अधिकारी अगर जो आकर उनको हिफालत में देख ले तो उनके क्या उनकी नौकरी पर क्या बीतेगी या क्या होगा उनके पास में, उनको किसी भी प्रकार का डर नहीं। ऐसे कई वीडियो सामने आए हैं जिनमें इंस्पेक्टर से लेकर सिपाही तक सो रहे हैं। आखिर इन पर पुलिस कर्मियों का लापरवाही की जांच गिरेगी या नहीं गिरेगी, ये तो अधिकारी ही बता सकते हैं। जी अनिल, हम पूछना चाहते हैं कि पनकी मंदिर में इतनी बड़ी लापरवाही देखने को मिली बुढ़वा मंगल के अवसर पर, आप ये बता सकते हैं कि जो पुलिस कर्मी सोते हुए नजर आए हैं, तो उनके उच्च अधिकारियों ने इसके लिए क्या कहा है, क्या सफाई दी है इस बारे में? जी, आपको बता दें, इस मामले में जब उच्च अधिकारियों से एसपी वेस्ट से बात की गई, तो एसपी वेस्ट ने
साफ मना कर दिया। उनका कहना था कि उनके सुरक्षा में उन्होंने जो भी तैनात फोर्स तैनात किया गया वे ईमानदारी से अपनी ड्यूटी निभा रहे हैं और वो एक दिन पहले से ही तैनात कर दिए गए थे और वो अपनी पूरी ईमानदारी से ड्यूटी निभा रहे हैं। और जब उनको विजुअल ये दिखाए गए तो विजुअल में उन्होंने कहा हो सकता है कोई एक आधा सिपाही जो है नींद लग गई हो या हो सकता है कोई इसमें बड़ी चीज नहीं है। मतलब इस तरह के बयान सामने आते हैं, फर्म आती है इस तरह के बयान सुनकर एक नहीं दो नहीं तीन नहीं चार नहीं कई वीडियो में वो साफ होते नजर आ रहे हैं और अधिकारियों की इस तरह के बेतुके बयान इन लापरवाही सिपाही और दरोगा पर जो है अंकुश लगाने की वजह उनको और बेशर्म होने की और दावत दे रहे हैं। अगर जो ऐसे में कोई अप्रिय घटना हो जाए तो ऐसे में कौन जिम्मेदार होगा, ये तो भगवान मालिक ही है। जी अनिल, आपका बहुत बहुत शुक्रिया इस खबर पर अधिक अपडेट देने के लिए। कानपुर से बड़ी खबर, पनकी मंदिर में सुरक्षा को लेकर हुई लापरवाही, बुढ़वा मंगल की पर जुटी लाखों भक्तों की भीड़ जहां पर पुलिसकर्मी सोते हुए नजर आए। और बढ़ते हैं आगे की खबरों की ओर। सीएम योगी आदित्यनाथ आज कानपुर देहात दौरे पर रहेंगे। सीएम योगी आदित्यनाथ करीब 3 बजे हेलीकॉप्टर से कानपुर देहात के झींझक ब्लॉक के कंचौसी कस्बे में पहुंचेंगे, जिसके बाद कानपुर देहात के अकबरपुर लोकसभा क्षेत्र से सांसद देवेंद्र सिंह भोले की माता कनक रानी और पिता दर्शन सिंह की समाधि पर पुष्प अर्पण करेंगे। इसी के साथ ही समाधि स्थल से नजदीक बने दर्शन सिंह स्मृति महाविद्यालय में उनके माता पिता की प्रतिमा का अनावरण भी करेंगे। इसके बाद मुख्यमंत्री एक जनसभा को संबोधित करेंगे, जिसमें करीब 1 घंटे के कार्यक्रम के बाद मुख्यमंत्री योगी करीब 4 बजे लखनऊ के लिए रवाना होंगे। प्रशासन ने सुरक्षा के कड़े इंतजाम किए हैं। सीएम के सुरक्षा में ऊपर से अपर के 3 पुलिस अधीक्षक, 8 क्षेत्राधिकारी, 25 निरीक्षक और 124 उप निरीक्षक, 800 पुलिसकर्मी के जवान, 2 PSC की गाड़ी तैनात की गई है। तीन एडिशनल एसपी, 8 डिप्टी SP, 25 SO और SHO इंस्पेक्टर, 600 कांस्टेबल, 90 SI और 2 कंपनी PSC। ये फोर्स जो है हमने लगाई है और वाहनों को जो है चारों साइड से पार्किंग सब बनाकर व्यवस्था की गई है। कुछ हमने सादिम ड्यूटियाँ लगाई, कुछ लगाई, इस तरह से चार चौकन व्यवस्था की। यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ कंचौसी के इसी मैदान में एक जनसभा और यहाँ के जो सांसद हैं अकबरपुर रनिया से देवेंद्र सिंह भोले, उनके माता कनक रानी और पिता दर्शन सिंह के मूर्ति का अनावरण करेंगे, जिसकी तैयारियाँ जोरों शोरों पर पूरी कर ली गई हैं। अभी कुछ ही लम्हों बाद ये मान लीजिए 3 बजे योगी आदित्यनाथ यहाँ एक जनसभा को संबोधित करेंगे। कानपुर देहात से यासीन अली, GMD न्यूज। और इसी के साथ सबसे बड़ी खबर चित्रकूट से। सबसे बड़ी खबर, कुख्यात डकैत बबली कोल गैंग से पुलिस की हुई मुठभेड़। आपको बता दें चित्रकूट की बड़ी खबर, कुख्यात डकैत बबली कोल गैंग से पुलिस की मुठभेड़। पुलिस ने 25,000 के इनामी डकैत मुनवा कोल को किया गिरफ्तार। भारकुंडी छाना क्षेत्र के गोपी नगर के जंगलों की ये मामला है। आपको बता दें कुख्यात डकैत बबली कोल के गैंग को गिरफ्तार कर लिया गया है और उसके ऊपर 25,000 की इनामी रखी गई थी और कुख्यात डकैत बबली कोल के गैंग से पुलिस की मुठभेड़ हुई और पुलिस ने असलहे और कारतूस किए बरामद। उसके पास से असलहे और कारतूस भी बरामद किए गए हैं। पुलिस ने 25,000 की इनामी डकैत को मुनवा कोल को गिरफ्तार किया। कुख्यात डकैत बबली कोल गैंग से पुलिस की हुई मुठभेड़ चित्रकूट से सबसे बड़ी खबर। आपको बता दें भारकुंडी थाना क्षेत्र के गोपीपुर के जंगलों का यह मामला है। चित्रकूट से बड़ी खबर। हमारे साथ इसी खबरों पर जानकारी देने के लिए रतन पटेल संवाददाता हमारे साथ जुड़ गए हैं। रतन, क्या मैं जान सकती हूं कि ये जो इनामी डकैत है, कुख्यात डकैत गैंग है ये, इसके बारे में आप कुछ क्या खबर देना चाहेंगे इस विषय में? जी, आपको बता दें कि आज सुबह तड़के जो है करीब 3-4 बजे जो है पुलिस को जो है डकैत बबली कोल गैंग के जो है आधा के भीड़ों में होने की सूचना मिली थी, जिसके आधार पर जो है मारकुंडी और मानिकपुर थाना की पुलिस ने जो है जंगल की घेराबंदी की और जो है वहां पर जो है मुठभेड़ के बाद जो है 25,000 के इनामी मुनवा कोल को जो है पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया।
जी मैं ये पूछना चाहूंगी कि इस मुठभेड़ में इस मुठभेड़ के दौरान क्या पुलिसकर्मी घायल हुए हैं या किन किन डकैतों को किन उनके किस किस दिनों के किस किस साथियों को पकड़ा गया है? घायल हुआ है, दोनों तरफ से गोली फायरिंग हुई है, उसमें जो है 10 गैंग जो है भागने में सफल रहा है, लेकिन मुठभेड़ के बाद जो है सर्चिंग के दौरान जो है पति रहता है इनामी मनुआ फूल हौसलाओं और जो है भारी मात्रा में जिंदा कारतूसों के साथ जो है पुलिस ने गिरफ्तार किया है। इसके ऊपर जो है 25,000 का इनाम है और ये जो है प्रकाश भगड़ी कोल गैंग का जो है हार्ड कोर मेंबर है। जी रतन, बहुत बहुत धन्यवाद आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए, इस खबर पर अधिक अपडेट करने के लिए। चित्रकूट से बड़ी खबर, कुख्यात डकैत बबली कोल गैंग से पुलिस की हुई मुठभेड़, जहां पुलिस ने 25,000 के इनामी डकैत मुनवा कोल को किया गिरफ्तार। चित्रकूट से बड़ी खबर। और अब बढ़ेंगे अगली खबर की ओर। हिंदू धर्म में हनुमान जी को भगवान शिव का अवतार माना गया है। इन्हें कई और नामों से जाना जाता है, जैसे कि राम भक्त हनुमान, बजरंगबली, पवन पुत्र, अंजनी पुत्र। भाद्रपद महीने के अंतिम मंगलवार को बुढ़वा मंगल मनाया जाता है और आज बुढ़वा मंगल है, जिसकी वजह से भक्त हनुमान जी के दर्शन व पूजा के लिए मंदिरों में पहुंच रहे। आइए आपको बताते हैं आखिर क्यों मनाया जाता है बुढ़वा मंगल, क्या है इसके पीछे की मान्यता। भाद्रपद माह के अंतिम मंगलवार को मनाया जाता है बुढ़वा मंगल। रामायण की अगर बात करें तो ईश्वर राम व बजरंग बली का ही गुणगान अधिक देखने को मिलता है। रामायण का महत्व ही इस दुनिया से बुराई का नाश करने के लिए बताया गया है। जिस प्रकार बजरंग बली व प्रभु श्री राम द्वारा रावण का विनाश किया गया था, उसी प्रकार इस दुनिया से बुराई का भी विनाश हो। इसके अतिरिक्त अगर बजरंग बली की बात करें तो इन्हें संकट हरने वाला माना गया है। भाद्रपद माह के अंतिम मंगलवार को बुढ़वा मंगल मनाया जाता है। इस दिन हनुमान जी के दर्शन व पूजन से विशेष लाभ मिलता है। जो भी भक्त सच्चे मन से मंगलवार के दिन बजरंग बली की आराधना करता है, उसे समस्त परेशानियों से मुक्ति मिलती है। और हम इसी खास दिन के महत्व के बारे में आपको बताएंगे। दरअसल भाद्रपद माह के अंतिम मंगलवार को बुढ़वा मंगल मनाया जाता है। इस दिन भगवान शिव के अवतार माने जाने वाले हनुमान जी के दर्शन करना शुभ माना जाता है। बुढ़वा मंगल पर हनुमान जी की विधिवत पूजा करने से सारे कष्ट मिट जाते हैं, बिगड़े हुए कार्य बन जाते हैं। इसके अलावा बजरंग बली, पवन पुत्र, अंजनी पुत्र जी के दर्शन मात्र से हर मनोकामना पूरी हो जाती है। कहते हैं कि इस दिन बजरंग बली को सिंदूर चढ़ाना व उनके सामने बुढ़वानल स्रोत का पाठ करना फायदेमंद होता है। बुढ़वा मंगल का नाम मिला। बुढ़वा मंगल का संबंध रामायण काल से जुड़ा माना जाता है। मान्यता है कि आज के ही दिन यानी कि भाद्रपद के आखिरी मंगलवार को रावण ने हनुमान जी की पूंछ में आग लगाई थी, जिसके बाद हनुमान जी ने अपना विकराल रूप धारण किया और रावण की लंका जलाने के लिए अपनी पूंछ में अग्नि पैदा की थी, जिससे इस माह के आखिरी मंगलवार को बुढ़वा मंगल का नाम मिला। हम आपको बता दें कि इस दिन सिर्फ लंका ही नहीं जली थी, बल्कि रावण के घमंड से चूर होने की शुरुआत हो गई थी। हिंदू धर्म में हनुमान जी को भगवान शिव का अवतार माना गया है। इन्हें कई और नामों से जाना जाता है, जैसे कि राम भक्त हनुमान, बजरंग बली, पवन पुत्र, अंजनी पुत्र। इस दिन हनुमान जी के दर्शन व पूजन से विशेष लाभ मिलता है। शास्त्रों के अनुसार माना जाता है कि इन नामों को सच्चे मन से लेने पर आपकी हर मुराद पूरी हो जाती है। अगर आप किसी समस्या में हैं, तो भगवान हनुमान के इन नामों का जप करें, आपको फल जरूर मिलेगा। इसके साथ ही नकारात्मक ऊर्जा का भी नाश होगा। अगर आपके काम में रुकावट आ रही है तो आज और हर मंगलवार हनुमान जी के मंदिर में जाकर गुड़ व चने का प्रसाद चढ़ाना चाहिए। उस प्रसाद को वही मंदिर में ही बांट देना चाहिए। अब वक्त हो गया एक छोटे से ब्रेक का, देखते रहिए जेएमडी न्यूज।
रायपुरी शहर वासियों से अपील है कि प्लास्टिक पर अगर बैंड है तो उसका प्रयोग न करें, वो हमारे साथ मिलकर के स्वच्छता पर ध्यान दें और अपने शहर को स्वच्छ बनाए, स्वस्थ बनाए। स्वच्छता सर्वेक्षण 2019 का आरंभ होने जा रहा है, अतः नगर निगम कानपुर के सहभागी बनकर स्वच्छता अभियान को सफल बनाएं। कूड़ा गाड़ियों को सूखा कूड़ा व गीला कूड़ा अलग अलग दें। उत्तर प्रदेश में पॉलीथीन पूर्णतः प्रतिबंधित है, अतः पॉलीथीन का प्रयोग कतई न करें। तो आइए नगर निगम कानपुर के साथ महानगर कानपुर को स्वच्छता सर्वेक्षण में सर्वोत्तम स्थान दिलाएं। सम्मानित महानगर वासियों, आप सभी से अपील है कि स्वच्छ सर्वेक्षण 2019 जिसका काउंटडाउन प्रारंभ हो गया है, आप स्वच्छ सर्वेक्षण में अपने शहर को आगे लाएं। स्वच्छता ऐप डाउनलोड करें, उस पर अधिक से अधिक शिकायत करें, शिकायत निस्तारण के बाद अपनी प्रतिक्रिया दें। इसके साथ ही साथ सभी अच्छी गतिविधियों को स्वच्छ मंच पे आप उसको पोस्ट करें और अपने शहर से पॉलीथीन को दूर भगाएं, पर्यावरण के अनुकूल शहर को बनाएं, प्रदूषण मुक्त बनाएं। महानगर कानपुर में बॉलीवुड की दस्तक, मशहूर प्लेबैक सिंगर कनिका कपूर से लाइव बातचीत। कनिका कपूर से लाइव सवाल जवाब के लिए डायल करिए 7310107815। 26 सितंबर दिन बुधवार शाम 6 बजे से सिर्फ जेएमडी न्यूज पर। वो कुछ भी करें, आपकी परेशानी का होगा हल। बड़ा से बड़ा अपराध करें, हम उठाएंगे आपकी आवाज और उन्हें सजा न दी जाए। देखते रहिए पब्लिक फोरम सिर्फ जेएमडी न्यूज पर, डॉक्टर रमेश वर्मा के साथ। गॉसिप्स के गलियारों का हाल, फिल्मी सितारों की हर वो बात, पर्दे के पीछे की कहानी, हम लाएंगे सिनेमा की जुबानी सिर्फ खबर फिल्मी पर। देखिए शाम 4:30 बजे सिर्फ जेएमडी न्यूज पर। इंडियन हिस्ट्री में पहली बार डेन का डिजिटली महाअवतार। अब आपके मोबाइल में होगा मनोरंजन का अनोखा संसार। गूगल प्ले स्टोर या iOS से डेन टीवी प्लस डाउनलोड करें और अपने मोबाइल को बनाएं चलता फिरता ऑन डिमांड टीवी। ढेर सारे चैनल्स, मूवी ऑन डिमांड, नॉनस्टॉप न्यूज एंड म्यूजिक, मींस फुल एंटरटेनमेंट, कुछ भी कहीं भी। जब आपके मोबाइल में होगा डेन टीवी प्लस, फिर तो ऐश ही ऐश है बस। का स्वागत है। गर्मियों का मौसम भले ही निकल गया हो पर बांधा में पेयजल संकट थमने का नाम ही नहीं ले रहा है। इलाकाई महिलाओं ने सर पर मटका रखकर जिलाधिकारी कार्यालय में प्रदर्शन किया और पानी की मांग की। महिलाओं ने बताया कि उन्हें यहां करीब 3 महीने से पानी नहीं आया है और अगर कभी आता भी है तो वह पानी पीने योग्य ही नहीं होता। लगातार शिकायतों के बाद भी जब कोई कार्यवाही नहीं हुई तब मजबूरन महिलाओं को जिलाधिकारी के सामने खाली मटके लेकर प्रदर्शन करना पड़ा। महिलाओं ने डीएम से पानी पीने के पानी की मांग की है और साथ ही जल संस्थान के भ्रष्ट अधिकारियों पर कार्यवाही की भी मांग की है। जो है इस समय डीएम साहब के पास आए थे पानी की समस्या को लेकर, क्योंकि पानी की समस्या गरीब जनता बहुत परेशान है उसे, क्योंकि मजदूर वर्ग की महिलाएं हैं, क्षेत्र है जिस जगह 100 घर हो और उस जगह पानी की पाइपलाइन भी नहीं है। इनके क्षेत्र में मतलब महिला इन्हीं पार में 3 कुएं एक ही साथ हैं, उन कुओं में महिलाएं गिर जाती हैं, बच्चे गिर जाते हैं, जानवर गिर जाते हैं, लेकिन जल संस्थान द्वारा ना उन कुओं की सफाई करा के अगर चाहें
तो पाइपलाइन डाल दें जिससे बस्ती को पानी मिलने लगे। ये लोग एक एक लोटा पानी को तरस रही है वहाँ की जनता, लेकिन महाप्रबंधक महोदय जी के कान में जूं ही नहीं रखती और जवाब बड़ा गड़बड़ दे देते हैं। कानपुर के किदवई नगर स्थित नगर निगम जोन 3 के कार्यालय में सोमवार को हाई वोल्टेज ड्रामा देखने को मिला। यहां पर दो महिलाएं जोनल अधिकारी के कार्यालय में जाकर उनकी कुर्सी पर बैठ गईं। वहीं जोनल अधिकारी की कुर्सी पर महिलाओं को बैठा देख कार्यालय में हड़कंप मच गया। जानकारी पर कार्यालय पहुंचे जोनल अधिकारी राजीव शुक्ला जब अपने कार्यालय पहुंचे और महिलाओं को अपनी कुर्सी से उठने को बोला तो महिलाओं ने उठने की बजाय जमकर हंगामा करा। हंगामा बढ़ते देख जिला के अधिकारी ने किदवई नगर पुलिस को सूचना मौके पर दी और पुलिस ने महिला सिपाही से दोनों हंगामा कर रही महिलाओं को कुर्सी से उठाया और थाने से ले गई। संख्या 128/157 इसका एक नामांतरण का केस है जिसमें कि इनके फादर की मृत्यु हो चुकी है और उनके फादर की मृत्यु के पश्चात उनके बच्चों के नाम ये मकान आया। जब फादर की मृत्यु हुई तो बड़े लड़के ने, जिसका नाम राजीव अग्रवाल है, उसने एक एप्लीकेशन, एक प्रार्थना पत्र दिया कि साहब हमारे नाम और मेरी बहनों के नाम वो भवन कर दिया गया। नियमानुसार पूरी कार्रवाई की गई और कार्रवाई के दौरान समाचार पत्र में प्रकाशन होता है, वो प्रकाशन भी कराया गया। बिल्कुल नियम से सब कार्रवाई की गई। इन दोनों बहनों का कहना है कि मेरे भाई का नाम हटा दिया जाए, मेरा ही नाम उसमें कर दिया जाए। कानपुर में एसपी सुरेंद्र दास की हुई मौत के बाद से पारिवारिक विवाद बढ़ता जा रहा है। लगातार अभी तक एसपी के घरवाले उनकी पत्नी रवीना पर प्रताड़ित करने का आरोप लगा रहे थे। वहीं अब रवीना के पिता अपनी बेटी का बचाव करते हुए आगे आए हैं और एसपी सुरेंद्र दास के भाई नरेंद्र दास पर दोनों पति पत्नी को अलग करने का दबाव बनाने का आरोप लगाया। उनका कहना है कि नरेंद्र दास लगातार सुरेंद्र दास पर रवीना से अलग होने का दबाव बनाते थे। साथ ही उन्हें पूरे परिवार पर आरोप लगाते हुए कहा कि पूरा परिवार मेरी बेटी से अलग होने का लगातार दबाव बना रहा था और अब भी लोग झूठ लांछन बोलते हुए नहीं थक रहे हैं और बेटी पर लगा रहे हैं ये आरोप। में इन्होंने कई जगह ऑडियो में कहा कि घर वालों ने एक पैसा नहीं दिया, जबकि इन्होंने खुद घर बनवाया था सुरेंद्र जी ने, और इन्होंने भाई की शादी में पैसा लगाया था, अपनी पढ़ाई में किया है, और इनको ही वॉज वेरी मच मेंटली डिस्टर्ब कि भाई ने, मदर ने, किसी ने भी एक पैसा देने से मना कर दिया। फिर इन्होंने अपने दोस्तों से उधार लिया है पैसा, दोस्त का भी मैं दे सकता हूँ कि नरेंद्र ने कहाँ कहाँ खरीदारी की है। देखिए, आत्महत्या का कारण अगर मुझे मालूम होता तो मैं आत्महत्या करने ही नहीं देता। मैं आपको बता दूँ, मैंने अपने कई दोस्तों को आत्महत्या करने से बचाया है। सिर्फ हमें ही डिफेम करना है तो मैं सिर्फ डिफेंस में अपनी बात कहने के लिए आया। झांसी में छुट्टा जानवरों के कारण किसानों को अपनी फसल बचाने की चिंता सता रही है। इस परेशानी से बचने के लिए ग्रामीण कलेक्टर पहुंचे और आवारा पशुओं से निजात दिलाने की गुहार लगाई। जहां बरुआर सागर से आए किसानों ने बताया कि छुट्टा जानवर उनकी करीब फसल बर्बाद कर रहे हैं और वह लोग दिन रात मेहनत करके अपनी मशक्कत के बाद जानवरों से फसल की रखवाली करते हैं, लेकिन मौका मिलते ही यह पशु खेत में घुस जाते हैं और उसे बर्बाद कर देते हैं। उन्होंने ये भी बताया कि वह डीएम के पास आए थे ताकि इस समस्या का समाधान हो सके, यदि इस पर ध्यान नहीं दिया गया तो वह लोग आंदोलन करेंगे। इसलिए आए हैं क्योंकि बरुआ सागर के निरंतर सूखे से मार झेल रहे मेरे किसानगढ़, और इसके बाद अन्य जानवरों से भी नाजनी आ रही है। किसानों की खरीफ की फसल पूरी तरह नष्ट कर दी गई। हम किसान सब लोग आत्महत्या करने के लिए मजबूर हो चुके हैं। कोई भी सरकारें आती हैं, कोई समस्या सुनने के लिए तैयार नहीं होती हैं। इसलिए हम सभी किसानगढ़, यदि ऐसा नहीं होता कि अन्य जानवरों को रोकथाम नहीं की गई तो हम लोग कार बहिष्कार भी करेंगे और साथ में चक्का जाम भी करेंगे, और जितना हो सकता है हम लोगों की समस्या का अगर समाधान नहीं हो सका तो हम लोग डीएम साहब के यहाँ धरना प्रदर्शन एवं भूख हड़ताल भी कर सकते हैं। आज के बुलेटिन में सिर्फ इतना ही। देखते रहिए जेएमडी न्यूज। नमस्कार।
केदवे पद्मेश का नमस्कार।